हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास एट्स का मैथ्स का जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं एकदम नया लेसन नंबर 16 है, चैप्टर 16, जिसका नाम है पृष्ठफल एवं घनफल। तो फ्रेंड्स, इसमें आज हमारा ये पहला लेक्चर होगा। तो मैं भी भुवनेश्वर आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको हमारा ये वीडियो नए वीडियो जो है आपको मिलते रहें। मैंने पूरा पोर्शन जो है आठवीं के मैथ्स का अपलोड कर दिया है, आप उसे जो है लेक्चर वाइज मैंने अपलोड किया है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पृष्ठफल एवं घनफल है, इसमें कुछ फार्मूलाज है, जैसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल और समघन को ही घन बोलते हैं। घनाभ और घन क्या होता है? घनाभ को इंग्लिश में क्यूबोइड बोलते हैं और घन को क्यूब बोलते हैं। तो ये इसका जो है संपूर्ण पृष्ठफल, ये फॉर्मूलाज आज आपको पढ़ने हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, एल इंटू बी प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बी इंटू एच प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, एल इंटू एच मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। तो ये हमारा होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल। उसके बाद आता है घन का संपूर्ण पृष्ठफल। तो इसका सूत्र होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र होता है 6 गुणे लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, 6 × L² तो ये हमारा दो सूत्र होता है। इसके बाद घनफल कहते किसे हैं? तो इसकी परिभाषा है कि किसी भी घनाकृति द्वारा अवकाश में घिरी जगह का माप घनाकृति का घनफल होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि घन और घनाभ होते क्या हैं। तो पहले इसका डायग्राम देख लीजिए। घन यानी क्यूब क्या होता है? इसको इस तरह से, जैसे आप वर्ग बनाते हैं स्क्वायर, सेम वैसी वर्ग बना लीजिए और इसके सेंटर में इस तरीके से एक और वर्ग बना लीजिए। वर्ग होना चाहिए, ये नहीं होगी। तो ये इस तरीके से जब हम लाइन खींचेंगे तो ये हमारा हो गया, ये होता है घन। क्या होता है? इसको क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। ये हो गया घन। अब घनाभ क्या होता है कि जो आयत बनता है हमारा, आयत आपको पता है ना, आयत आयत को इस तरीके से जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा घनाभ, ठीक है फ्रेंड। तो ये घन हो गया और ये घनाभ होते हैं, ये घन और घनाभ। क्योंकि ये देखो 2D मॉडल है, यहाँ पे आपको केवल ये पेज पे बना हुआ है, तो ये आप इसको, ये जगह नहीं घेर रहा है, केवल इतना ही एरिया घेर रहा है। लेकिन हम इसका 3D मॉडल, यानी कि अगर आप क्यूब जो बनाने वाला होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लेके बैठी हूँ, इसको हम कहीं पर भी रख देंगे ऐसे, तो ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, ये वाला पार्ट मान लिया कि ऊंचाई है, ठीक है। ये ऊंचाई हो गया, ये लंबाई हो गया, और क्या हो गया, ये चौड़ाई। यहाँ पर देखिए, लंबाई ऊँचाई और ये चौड़ाई, ये तीन चीज़ें ये कॉर्नर पर आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए, ये हो गई लंबाई चौड़ाई और लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई, जैसे कि ये हो गया L, उसके बाद ये पार्ट जो हो गया लंबाई चौड़ाई B हो गया, और ये पार्ट H हो गया। ये तीन चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें भी ऐसे ही हो गया कि ये वाला पार्ट L हो गया लंबाई, ये B हो गया चौड़ाई, और ये H हो गया ऊंचाई। तो इस तरीके से घनाभ में तीन चीज़ें होती हैं, या चाहे वो घन हो चाहे या घनाभ, ये हो गया ऊंचाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्यूब है, तो इसके तीनों पार्ट जो है इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन क्यूबोइड में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका जो है LBH करके अलग अलग दिखाया जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसकी परिभाषा है। इसके बाद घनाभ का घनफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊँचाई, ठीक है, जिसको LBH, L × B × H इस तरीके से दिखा सकते हैं। और घन का होता है, घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, इसलिए L × L × L, ठीक है। इसमें L बराबर B बराबर H, L जो है तीन एक ही इक्वल होते हैं, इसलिए उसकी जगह पे L लिख देते हैं, और L³ यानी कि लंबाई घाते 3 इसका सूत्र हो जाए, किसका, घन का घनफल बराबर लंबाई घाते 3 होता है। तो ये कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, फॉर्मूलाज है जो आपको पता रहेगा, तो ये लेसन आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये दिया है 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 वर्ग मीटर में कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो 1 वर्ग मीटर = 100 × 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 का 100 में जब गुणा करेंगे तो
10,000 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 10,000 यानी कि 1, 2, 3, 4 जीरो है तो 10^4 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 10 वर्ग मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको 1 वर्ग मिलीमीटर, तो 10 में 10 का गुणा तो 100 वर्ग मिलीमीटर, तो ये 2 जीरो है तो 10^2 वर्ग मिलीमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अच्छे से याद कर लोगे, आपके जहन में बैठ जाएगा, तो आप आगे का जो प्रैक्टिस सेट है सॉल्व करने में हमें सुविधा हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए हैं, तो वो एग्जांपल्स चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि घनाब के आकार का मछली रखने वाले कांच की पेटी की लंबाई, देखिए ये घनाब के आकार के है, पेटी की लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर हो, तो ज्ञात कीजिए कि उसमें कितने लीटर पानी भरा जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये गौर से आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया है कि पेटी में भरे जाने वाले पानी का घनफल उस पेटी के घनफल के बराबर होता है, जितना पानी होगा, जितना इसका घनफल होगा उतना ही पेटी में पानी भरा जाएगा, ठीक है। ये जहन में रखना है कि ये घनाब है, घन नहीं है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, देखिए ये लंबाई जो है मीटर में दी है, बाकी सब चीज़ें सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हम जो मीटर में दिया है उसको भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर हो गई। तो पेटी का घनफल मैंने बताया था कि घनाब का घनफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो यहाँ पे एल बी एच 100 × 40 × 50 जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 200,000 घन सेमी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि कितना पूछ रहा है कि कितने लीटर पानी भरा जाएगा, तो हम ये तो घन सेंटीमीटर है, 200,000 घन सेंटीमीटर को हमें लीटर में बदलना है, तो 1,000 से जब एक लीटर बराबर 1,000 मिली ml होता है, 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होता है, तो हम इसको जब 100 से भाग देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो 1, 2, 3 जीरो, 1, 2, 3 से तो 200 लीटर, मतलब कि 1,000 घन सेमी बराबर 1 लीटर होता है, तो टंकी में 200 लीटर पानी भरा जाएगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है इसके दूसरे भी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए किस तरीके से दिया हुआ है कि एक किसी घनाब आकार वाले गोदाम की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई भी 4 मीटर है, इस गोदाम में 40 सेमी भुजा वाले अधिक से अधिक कितने सम घनाकार बक्से रखे जा सकते हैं। तो रखे गए बक्सों से गोदाम पूरा भरने पर सभी डिब्बों का कुल घनफल गोदाम के घनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको कई चरण में, कई स्टेप्स में इसको सॉल्व करना है। जैसे पहले क्या करेंगे, गोदाम का क्या करेंगे, घनफल ज्ञात करेंगे, ठीक है, सूत्र से। उसके बाद बक्से का घनफल ज्ञात करेंगे, फिर बक्से की कितनी संख्या है ज्ञात करेंगे, तब हम बता पाएंगे कि कितना रखा जाएगा। तो पहला स्टेप में गोदाम की लंबाई क्या है, 6 मीटर है, यानी कि सेंटीमीटर में करेंगे। चौड़ाई मतलब 6 मीटर का 600 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी कि ऊँचाई 4 मीटर है तो 400 सेंटीमीटर, और गोदाम का क्या होता है, घनफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये कितना हो जाएगा, 600 × 400 × 400 हो गया, तो ये घन सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बक्से का घनफल हमें निकालना है दूसरे स्टेप में, तो बक्से का घनफल भुजा घाते 3 होता है, घनफल है यहाँ पे, घना नहीं है ये, घन है। तो बक्सा क्या है, स्क्वायर में है, तो भुजा घाते 3 तो 40 × 40 × 40 है, ठीक है, इसका गुणा कर लेंगे। उसके बाद बक्से की संख्या, तो गोदाम का घनफल और एक बक्से का घनफल, तो इस तीनों का आपस में क्या करेंगे, गोदाम के घनफल मतलब 600 × 400 × 400 में 40 × 40 × 40 का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 40 बचेगा, तो 6 × 24 यहाँ पे 1500 उत्तर आएगा, ठीक है। तो उस गोदाम में अधिक से अधिक 1500 बक्से रखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, एग्जांपल्स हुए। उसके बाद तीसरा एग्जांपल दिया है कि बर्फ़ी बनाने के लिए खोया यानी मावा तथा शक्कर को गलाकर 5 लीटर मिश्रण घनाब के आकार के ट्रे में डालने पर वह पूर्णतः भरता है। ट्रे की चौड़ाई कितनी है, ट्रे की चौड़ाई है 40 सेमी तथा ऊंचाई 2.5 सेमी है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें देखिए ये भी 3 स्टेप में ज्ञात करना होगा। पहले स्टेप में क्या करेंगे, ट्रे की धारिता यानी कि 5 लीटर मतलब 5,000 घन सेंटीमीटर, क्योंकि 1 लीटर बराबर
1000 घन सेंटीमीटर होता है। उसके बाद मिश्रण का घनफल भी कितना होगा, 5000 घन सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पूरा ट्रे भर दिया गया है। अब आयताकार ट्रे का घनफल बराबर मिश्रण का घनफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 5000 घन सेमी। तो लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो हमें पता नहीं है चौड़ाई और ऊंचाई जो है दिया हुआ है, तो 40 गुणे 2.5 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेंगे। तो 5000 बराबर ट्रे की लंबाई बराबर यहाँ 40 में 2.5 का जब गुणा करेंगे तो 100 आएगा, तो 5000 में 100 से जब भाग देंगे तो 50 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा, ट्रे की लंबाई 50 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, घनाभ का घनफल और समघन का घनफल भुजा घाते 3 और घनाभ का घनफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये जो है सूत्र दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 16.1 का पूरा प्रॉब्लम जो 3-4 दिया हुआ है उसको हम लिख कर सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।